आज हम हिल्सा फिश स्टीम्ड बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ हिल्सा फिश लिए है, 4 पीस फिश है। और यहाँ हमने मास्टर्ड पाउडर लिए है, आप चाहे तो मास्टर्ड पेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ 2 चम्मच मास्टर्ड पाउडर है और 3-4 चम्मच पॉपी सीड पेस्ट है, आधा कप नारियल पेस्ट है और 2 चम्मच काजू पेस्ट है और 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल है और नमक है 1 चम्मच, जीरा पाउडर है आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 हरी मिर्च है और हमने पॉपी सीड के साथ 2 हरी मिर्च पेस्ट किए हैं। और इसको स्टीम्ड करने के लिए हमने यहाँ अरबी के पत्ते रखे हैं और धागे हैं कुछ, तो इसको पहले अब हम सारे मसाले को एक साथ बनाते हैं। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे पॉपी सीड में, ये मस्टर्ड सीड है ये, और अब हम इसमें हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर, नमक थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब हम इसमें पॉपी पेस्ट डालते हैं, ये पोस्ता पेस्ट है। नारियल पेस्ट भी डालते हैं। और काजू पेस्ट भी डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाना है। और मस्टर्ड ऑयल डालते हैं इसमें। इसको हम आज माइक्रो ओवन में बनाएंगे और आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, एक टिफ़िन बॉक्स के अंदर डालकर और प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर देकर 15-20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में आप बना सकते हैं इस तरह से। और आज हम माइक्रो ओवन में बनाएंगे। हमारा मसाला रेडी है। अब हम एक फिश को दिखाते हैं किस तरह करना है। देखिए, इस तरह से मसाले में अच्छे से इसको फिश को डुबाना है और इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिए। और अगर आपको तीखा पसंद है तो एक हरी मिर्च भी डाल दें इसमें और इसको इस तरह से मोड़ना है। और धागे से इस तरह से इसको बांध देना है। इस तरह से हम सारे फिश को पैक करेंगे।
इस तरह से सारे फिश को अरबी के पत्ते में हम पैक कर लिए हैं। अब हम इसे माइक्रोवेव से बोल में 5 से 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। हमारा स्टीम चहल सा तैयार है और इसे भापा हिलसा भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इसको माइक्रोवेव में बनाए हैं। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। और इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको खोलेंगे। हमारा हिलसा पतूड़ी तैयार है। इस तरह से आप भी इसे बनाइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।